भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज इस अवसर पर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से, जो उनके पुराने सरोकार जुड़े रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दीक्षित जी, आप 1971 से जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके क्या संस्मरण हैं, कुछ यादें एपीएन के साथ साझा करिए। अनेक यादें हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे उनका बहुत सानिध्य मिलता रहा है और मेरा सौभाग्य है कि उनके जैसे बड़े नेता और मैं कहूंगा कि स्टेट्समैन, अंग्रेजी में कहावत चलती है पॉलिटिशियन ऑलवेज थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन एंड स्टेटमैन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। तो भारत की नई पीढ़ी, भारत का युवा मन, भारत का युवातन, भारत की संस्कृति, उस संस्कृति का नवोन्मेष और जो प्राचीनता की भूमि है उस पर लगातार आधुनिकता का, नवीनता का विचार और पौध रोपण और उसका संवर्धन, ये उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सीखा है। आज के परिपेक्ष में अटल जी जिस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो आजाद शत्रु के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज की राजनीतिक संयम की जो भाषा है टूट रही है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुठाराघात होते हैं शब्दों के, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अटल जी के समय की भाषा याद आती है, वो भाषाशालीनता का, शब्द अनुशासन का और हर चीज को मधुरस में डुबोकर प्रस्तुत करने का, ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलता है। ये थे भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, जिन्होंने शिद्दत से अटल बिहारी जी के जन्मदिन को आज याद किया, उनके पुराने यादों को एपीएन के साथ साझा किया। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अविनाश मिश्र, एपीएन लखनऊ।